आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। क्रप्स मिशन 1942, जब ब्रिटिश सरकार को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांगों की अधिक दिनों तक उपेक्षा नहीं की जा सकती है, फलतः तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा, जो क्रिप्स मिशन के नाम से प्रसिद्ध है। क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके भारत के बारे में भावी नीति निर्धारण करने के सुझाव तो प्रेषित करने ही थे, साथ ही साथ युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग भी प्राप्त करना था। सर क्रिप्स के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के बारे में निम्नलिखित सुधारों की घोषणा की। युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जो भारत के लिए नया संविधान बनाएगी। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो किए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार इस प्रकार बनाए गए संविधान को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार करेगी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वे चाहें तो इस संविधान को स्वीकार करके संघ में शामिल हो जाएं या अपने लिए नए संविधान की रचना कर लें। ब्रिटिश सरकार उनके संघ में शामिल होने के लिए कोई सिफारिश या दबाव नहीं डालेगी। ऐसे प्रांतों द्वारा नए संविधान के निर्माण कर लेने पर ब्रिटिश सरकार उन्हें भारतीय संघ के समान ही स्थित प्रदान करेगी। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें ब्रिटिश के हाथों से भारतीय हाथों में शासन के हस्तांतरण से उत्पन्न समस्याओं के हल की व्यवस्था होगी। संधि पत्र में सरकार द्वारा किए गए वचनों के अनुसार जाति और भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मातृ सभा के आकार को निश्चित कर दिया था। युद्ध समाप्त होने के पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव किया जाना था, जो संविधान निर्मातृ सभा के सदस्यों का चुनाव करती। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या का 1/10 भाग से अधिक नहीं हो सकती थी। प्रत्येक प्रांत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। भारतीय रियासतें भी इसी अनुपात में प्रतिनिधि भेज सकती थीं। युद्ध के पहले भारतीय नेताओं के सहमत न होने पर इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता था। युद्धकाल में भारत की प्रतिरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार के ऊपर होगा, परंतु सैनिक, नैतिक और भौतिक रूप से संगठन का सहयोग का दायित्व भारत सरकार पर होगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकृत कर दिया। यदि हम क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका उद्देश्य कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय रियासतों के राजाओं और धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यकों सभी वर्गों को असंतुष्ट करने का था, किंतु अपने प्रस्ताव से क्रिप्स मिशन किसी को भी संतुष्ट ना कर सका। भारतीय संविधान के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव के मामले में कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। मुस्लिम लीग की मुख्य आपत्ति यह थी कि इस योजना से मुसलमानों को वास्तविक सुरक्षा प्रदान नहीं होती है। भारतीयों की मांगों की भी प्रतिरक्षा विभाग में भारतीयों का भी हाथ हो तथा विभाग मंत्रिमंडल की मंत्रणा से कार्य करे, जिससे सर
स्टेफर्ड क्रिप्स सहमत नहीं थे। कांग्रेस के उपयुक्त प्रस्ताव से भी ब्रिटिश सरकार सहमत न हुई। उपयुक्त मतभेदों के कारण क्रिप्स मिशन पूर्णतः असफल रहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की मांगें अनसुनी कर देने पर भारतीय नेताओं ने अपना धैर्य खो दिया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। अभी तक भारतीयों ने अहिंसात्मक आंदोलन ही किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने दमन नीति का अनुसरण करते हुए हमारे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने का हर संभव प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों को हिंसा का कार्य ग्रहण करना पड़ा और देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आंदोलन फैल गया। सन 1942 का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में इस महत्वपूर्ण घटना थी। उसने यह दिखा दिया कि समय आने पर भारत की जनता अपनी शक्ति पर हिंसा के आधार पर भी ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विवश कर सकती है। यद्यपि इस आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य पूरा ना हो सका, फिर भी उसने जनता को उत्साही बना दिया और गोलियों का भय उसके मन से जाता रहा। जनता ने इस अदम्य उत्साह ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। इन सब घटनाओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए समाधान बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए एक दूसरा दूत मंडल भेजा, जो कैबिनेट मिशन के नाम से प्रसिद्ध है। कैबिनेट मिशन 1946 में बनाया गया। इस दूत मंडल में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और मिस्टर ए बी एलेक्जेंडर। कैप्टन मिशन ने भारत के लिए निम्न योजना प्रस्तुत की। ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर भारत का एक संघ होना चाहिए और कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय प्रांतों के अधिकारों में रहने चाहिए। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुत्व सत्ता को समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय रियासतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे संघ में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। एक अंतिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाए, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। मिशन के सुझावों के परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में संविधान के अनुसार संविधान के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख उपबंध निम्नलिखित थे। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को उनके लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। 14 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन दोनों राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। नए संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाता रहेगा। भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। भारतीय प्रांतों के ऊपर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी जाएगी। अगस्त सन 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ और इस प्रकार भारत की 200 वर्षों की पुरानी दास्ता का अंत हुआ, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा और उन्होंने इसके बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयासों से एक संविधान का निर्माण किया, जो आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ, जिसे संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 19 अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी
महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं किताब को लिखा है और इसको भारत सरकार ने प्रकाशित किया है और इसको डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने का प्रकाशन है ये। इसमें सत्ता हस्तांतरण के समय क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत जो कार्य किया गया उसमें से सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार के पेज नंबर 45, 44, 45 में एक पत्र डॉक्टर अंबेडकर और श्री राजा का सर एस क्रिप्स को पत्र लिखा गया है। पत्र का नंबर है CMD 6350, 1 अप्रैल 1942। इसमें बाबा साहब ने लिखा, जब हम आपसे 30 मार्च को मिले थे तो आपको हमने बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महामहिम सरकार के प्रस्ताव दलित वर्गों को स्वीकार नहीं होंगे और उन कारणों को भी हमने साक्षात्कार के समय आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। तब से हमने विभिन्न प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के अनेक प्रतिनिधियों से परामर्श किया है और उन सभी ने सर्वसम्मत से उस विचार की पुष्टि की है जो हमने इन प्रस्तावों के संबंध में आपके समक्ष रखे थे। हम सभी का दृढ़ विश्वास है कि ये प्रस्ताव दलित वर्गों को अधिकतम हानि पहुंचाने वाले हैं और निश्चित रूप से उन्हें हिंदू राज्य पद्धति के अधीन कर देंगे। इस प्रकार का कोई भी परिणाम जो हमें अतीत के अंधकार युग में ले जाता है हो हमारे द्वारा कभी भी सहन नहीं होगा और हम सभी इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि यदि हमारे लोगों पर ऐसा संकट आएगा तो हम अपने समस्त साधनों से इसका डटकर सामना करेंगे। हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि आप दलित वर्गों के भविष्य के संबंध में हमारी घोर चिंता महामहिम को बता दें और उनके मन में यह धारणा पैदा कर दें कि हम इसे विश्वासघात समझेंगे। यदि महामहिम की सरकार दलित वर्गों के लिए ऐसे संविधान को लागू कराने का निर्णय करे जिसके लिए उन्होंने अपनी उन्मुक्त और स्वैच्छिक अनुमति नहीं दी है तथा जिनमें वे सभी उपबंध नहीं हैं जो दलित वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने के लिए होने चाहिए। अंत में हम आपको यह मानने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें प्रतिनिधि की हैसियत से बुलाया है और महामहिम की सरकार ने दलित वर्गों को अल्पसंख्यक पार्टी नहीं समझा है, जिससे कुछ संदेह हमारे मन में उभरा है जिसके बारे में हमने आपसे निवेदन किया है कि इस स्थिति की सही परिभाषा की जाए। इसके बाद भी उन्होंने और भी पत्र लिखे हैं। उस पत्र के माध्यम से क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में उन्होंने एक पत्र लिखा है जो मार्क्स ऑफ लिन लिथगो का श्री एमरी को तार। इस तार को जो है बाबा साहब की इसी पुस्तक में लिखा है, वो तार का नंबर है TAR MSSEQR AF 125/23, नई दिल्ली, 23 जुलाई 1942, 5:35 बजे अपराह्न, प्रातः 23 जुलाई 5:30 अपराह्न, तत्काल, संख्या 2169 एस ल्यूमले द्वारा प्रेषित, दिनांक 22 जुलाई। प्रारंभ। अंबेडकर ने गत रात एक सशक्त भाषण दिया जिसमें उन्होंने ऐसे समय में नागरिक अवज्ञा आंदोलन को भारत के प्रति विश्वासघात और शत्रु
जैसा व्यवहार बताया तथा सभी भारतीयों को देशभक्त का कर्तव्य निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी समस्त शक्ति और साधनों से कांग्रेस द्वारा नागरिक अवज्ञा आंदोलन के चलाने के प्रयत्न का विरोध करें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह दिल्ली जाने से पूर्व एक वक्तव्य जारी करेंगे जिसमें ऐसी नीति प्रख्याप्त की जाएगी जिसका अनुसरण स्वतंत्र श्रमिक दल और अन्य सहयोगी संगठनों को अवश्य करना चाहिए। उन्होंने श्रोताओं अपने अनुयायियों से कहा है कि वे इस वक्तव्य का अध्ययन करें और उसमें निहित निर्देशों का पालन करें। समाप्त। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के हितों में जो भी बन सका किया, जिसको भारत के संविधान में नहीं चर्चा में लाया गया, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है द ट्रांसफर ऑफ पावर खंड 2 संख्या 227 पेज 3367 में। क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ पावर के समय जो भी किताबें पुस्तकें हुई उनमें से निकाल करके अंश जो है ये छापे गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने युद्ध मंत्रिमंडल आलेख WP 42-243 में भी भारत मिशन पर रिपोर्ट लॉर्ड प्रिवी सील द्वारा ज्ञापन में भी खंड 4 में लिखा है दलित वर्ग, मैंने 30 मार्च को दलित वर्गों के नेता डॉक्टर अम्बेडकर और श्री राजा से भेंट की। उन्होंने यह बताया कि पूना पैक्ट द्वारा आरोपित प्रांतीय सभाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्वों के चुनाव की वर्तमान पद्धति के अधीन दलित वर्गों को संविधान सभा में बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, क्योंकि संविधान सभा के अधिकांश तथाकथित सदस्य कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हमने जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों से दलित वर्गों को एक अल्पसंख्यक वर्ग माना है। मैंने उत्तर दिया कि हमने यह माना है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनकी सुरक्षा के लिए संधि में किस प्रकार के प्रावधान रखने की संभावना है। इस तरीके से जो है बाबा साहब ने काम किया जिसको नहीं दिखाया जाता है। और भारत के अंदर आज़ादी के आंदोलन 15 अगस्त के दिन कोई भी व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ही नहीं लेता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज़ादी दिलाने में कितना बड़ा योगदान था। ये है देश के अंदर जातिवादी मानसिकता का ये परपाटी है, क्योंकि दलित वर्गों को बोलने का अधिकार नहीं है। मंचों में तमाम प्रकार के ऐसे श्रमिक संगठन हावी हैं जो अपर क्लास के लोग हैं वो जाते हैं, या अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात की गुलामगिरी करने वाले लोग ऐसे श्रमिक संगठनों में रहते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में जब मंच में बोलने के लिए जाते हैं तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो नाम ही नहीं लेते हैं कि कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लें। यह सबसे बड़ी विडम्बना है इस देश के लिए, जिससे अनुसूचित जात जनजाति के अधिकारों की लड़ाई जो भी लड़ रहा है उसके लिए भी काफ़ी कठिन समस्या हो जाती है, जो हमारे बीच के अनुसूचित जात जनजात के जो गुलाम प्रवृत्ति के लोग दूसरे श्रम संगठनों या राजनीतिक दलों में गुलामगिरी कर रहे हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो समाज के लिए घातक है। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्पण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।